कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ करतारपुर कॉरिडोर में आने के लिए। बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है, यहाँ तक हम लोग का एंट्री है। तो अभी हम जा रहे हैं लंगर हॉल, हमारे साथ हैं भाई, इनका नाम क्या था भाई? सुमेर। अच्छा, सुमेर नाम है। चलिए लंगर हॉल में जाकर मिलते हैं आपसे। आगे लंगर हॉल में और लंगर खा रहे हैं। बड़ा लंगर हॉल है, यहाँ पे तकरीबन 2-3 हज़ार लोग तो आराम से खा सकते हैं। और मैंने खाना खा लिया, बहुत अच्छा लगा हमें खाने में, टेस्ट एक नंबर था। तो मैंने खाया, मीठा चावल था एक, और एक पुलाव था, साथ में दाल था, रोटी थी, सब्जी थी, मैंने खा लिया। और चलिए अब आपको बाहर दिखाते हैं, ये लंगर हॉल का नज़ारा है, आप देख रहे हो जो इधर लोग लंगर खा रहे हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर बूढ़े हैं वो लोग ऊपर बैठ के खा रहे हैं उधर। इधर आप अपना हाथ धो सकते हो, सैनिटाइज भी कर सकते हो, साबुन रखा गया है इधर। ये देख लीजिए, हमें ये कार्ड बहुत ज़रूरी है। ये लंगर हॉल जहाँ खाना बनता है वो। यहीं पे खाना बनता है लंगर हॉल का, जैसे कि आप देख सकते हो इधर। चलिए बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं थोड़ा। तो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप करतारपुर कॉरिडोर कैसे आए। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा अमृतसर, और अमृतसर के बाद आपको बस मिल जाएगी, वो डेरा बाबा नानक ले आएगी, और वहाँ के बाद आपको एक ई रिक्शा मिल जाएगा करके, स्कूटर वाला, उससे आप आ सकते हो। उसका लगभग 50 रुपीज़ किराया लगेगा, अगर आप शेयरिंग में होगे तो 100 में 4-5 लोग आ सकते हो। और अभी हम करतारपुर कॉरिडोर में हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के व्यू को देखिए, चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत जगह है, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, जैसा आप वीडियो में भी देख सकते हो। तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको ETA लेना होगा, ETA के लिए अप्लाई करना होगा, एक वेबसाइट है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। और उसके बाद $20 का फ़ी लगता है, आप $2 बाहर से भी ला सकते हो, यहाँ भी ला के एक्सचेंज करवा सकते हो। मुझे जो रेट मिला है वो 1920 रुपये में, इंडियन रुपीज़ में, हमें $20 मिल गया है। तो एक बात और, अगर आप आ रहे हो तो करेंसी एक्सचेंज उधर से ही करवा के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट बहुत गंदा मिलता है। लगभग 1920 रुपये में हमें $20 मिले हैं, और वही अमृतसर में 1700 रुपये में, 1500 रुपये में मिल जा रहे थे, 1500 से 1700 के बीच में आपको अमृतसर में मिल जाएंगे। तो वहीं से आप कैरी कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ करतारपुर कॉरिडोर में आने के लिए आपको। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसका 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए मिनिमम। और उसके बाद आप ETA अप्लाई करोगे तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ट्रैवल डेट के 4 दिन पहले आपको ETA मिल जाएगा। जब ETA मिल जाएगा तो यहाँ पे अभी RT-PCR ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो आपको RT-PCR करवाना होगा, 72 आवर्स पहले का होना चाहिए। और साथ में आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो भी लेकर आइएगा, क्योंकि इंडियन इमिग्रेशन में भी चेक होता है और पाकिस्तानी इमिग्रेशन में भी चेक होता है दोनों। RT-PCR बिल्कुल लाइए, बिना RT-PCR आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और चलिए ये देखिए पीछे का नज़ारा,
यहाँ से अब ख़त्म हो जाता है उस साइड, पाकिस्तान इस वो लाहौर वगैरह जाता है शायद। ये देखिए यहाँ तक हम लोग का एंट्री है, उस साइड एंट्री नहीं है, इसके बाहर। और इस साइड प्लांटेशन किया गया है, फूल वगैरह है, पार्किंग एरिया है। तो अभी हम हैं पाकिस्तान में करतारपुर में, और अभी मैंने घूम लिया पूरा जगह, काफ़ी अच्छा था। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है, तो बिल्कुल नहीं, पासपोर्ट पे बिल्कुल भी स्टैंप नहीं लगता है। जो आपको एटीएम मिलता है उस पे एक डिपार्चर का स्टैंप लगता है और एक अराइवल का स्टैंप लगता है। और जो पाकिस्तानी इमिग्रेशन वाले स्टैंप लगाते हैं, जो आप $20 पे करते हो, उस पे लगता है। इधर म्यूजियम के जैसा बनाया गया है थोड़ा। कहाँ से सर आप? कहाँ से? देहरादून। देहरादून? मैं पटना से। हाँ? पटना, पटना। अच्छा, वेरी गुड। आप सर? मैं, मेरा जन्म यहाँ का है। अच्छा, यहीं का? करतारपुर का? पाकिस्तान का। अच्छा, आप वहाँ रहते हो अभी? रहता हूँ मैं इंडिया में। बढ़िया। तो ये रहा करतारपुर साहिब का टॉयलेट रूम। इधर आपका गीजर भी लगाया गया है और इधर वॉशरूम है। तो चलिए वॉशरूम में तो जाएंगे नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ आए थे। अच्छी जगह है, आप आ सकते हो। आज टूरिस्ट काफ़ी कम आए हैं क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है इधर, इसलिए थोड़ा कम टूरिस्ट आए हैं। और आप देखिए नज़ारा इधर का, और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है धीमे धीमे। तो बस यही था पाकिस्तान का सफ़र हमारा, यहीं पे ख़त्म होता है। आगे आप कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि आगे भी और भी वीडियो आने वाले हैं मेरे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए गुड बाय, अब हम चलते हैं यहाँ से।